महांगारे डबल मर्डर जो घटना को लेकिन पूरा राज्य में चर्चा आरंभ हो जाए दुई बीजेपी नेता निर्मम भाव हत्या कर घर को फेरुवा समय निर्मम भाव हत्या कर पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष कुलमणि बराल और सहयोगी दिव्य सिंह बराल को निर्मम भाव हत्या कर उभय एक बाइक जोगे फेरुले रास्त हत्या कर घटना पक्षर बीजेडी नेता और कर्मी संप्रति अभोग आवास दुर्नीति शौचालय दुर्नीति संपर्क में मुह खोलिबारो आक्रमण होइतबा अभियोग आछि। विकास चरण स्वाई के गोचर जगह घर कर भाई की जो धरल ना कहते पुओ ना कहते सरपंच स्वामी जी ये लाट्रीन दुर्नीति मो बगीचा दुर्नीति विभिन्न दुर्नीति लिप्त से प्रफुल्ल विश्वाल भाई प्रमोद विश्वाल एम दुई बार जन ना नहीं एगार बार जन एगार बार जन आउ दु तीन जन से चिन्ह ना विकास चरण स्वाई पु प्रफुल्ल विश्वाल प्रमोद विश्वाल सहयोगी आज विजय बराल ललित मन बराल एम अच्छा चार जन ना मुख्य भूमिका आज विकास चरण स्वाई सी मुख्य प्रफुल्ल विश्वाल जो बार तेरह जन ना कहते बापा समस्त को चिन्ह समस्त चिन्ह सब ये लोकाल लोक मृतांग जन कौट गाँव से बहुत आगुरु पजिया गल धमका धमकी सब आर वर्ष गोटे लोक मार देखने मार फेरार बुलुन पुलिस धरुनि ना से फेरार बुलुन सबुआ बुलुचन कौट धरवे ना कि ना दि वर्ष है मरड होती जेनाहर पु आम से तो जाला धंदा मुझे जाकि देखिकी आईली गला बेलू पड़ सारे आ गाड़ी पड़ी से पड़ी नहीं रक्त रक्त तो हाणीहुणी पक सब हणाई कौटी मुंड मुंड सब हणाई छाती की हाणी से लोक मुझे जानी से मारी से मारी तो धमकाउन मो पु को मारदे नाती की मारदे कौन सब धमक दौन पर शेष करदेबु राजनैतिक शत्रुता अन्याय दुर्नीति विरुद्ध स्वर उत्तोलन करुथिले बोली तांको आजि दसाइछि एतिरे सब बिजेडी दल लोक मैंने संप्रक्त होती आगुरु धमक देते फेर भी दिखाला किसी कार्य अनुष्ठान निलानी सब एमती धमक दिखती किसी पुलिस किसी कार्य अनुष्ठान नि सरकारी दल चापर सब चापी जाए आम खबर पाई दौड़ी गला बापा पड़ से जेज विजय पड़ मो बापा धरी पक पचार बापा कौन है कहले जो बार जन ना कहले आजा टोटाली एम प्रतापजनक छत्र छाय तले अच्छा ये चेयरमैन जी भिकारी चरण स्वाई थे से गोचर उपर घर करोध कले आ मुख्य राग रहा प्रधानमंत्री आवास योजना को जो दुर्नीति हड़प करते भाई ना से पीटी डी आर डी ना केस एफआईआर दे थाना तेणु से सब राग ये विजु पक्का घर नहीं गोटे लोक इनक्वारी मानने इनक्वारी तार कोठा घर देखाला घर नक संपूर्ण बिल नहीं तार इनक्वारी रिपोर्ट भी आसला ताकि विजु जनता दल सभापति करदे पंचायत में ये सरपंच स्वामी जी टाउटरी मानते चरम सीमार सबुथर दुर्नीति करना आरंभ कर सब थे टाँग आदाय कर विरोध कर आर टी आई मागवा सब मानते मिसिक मारदे ललित मोहन बराल विजय कुमार बराल मूल कुमार बारिक पंचानन सेठी चैतन्य सेठी कोइन खटुआ कैलाश चंद्र खटुआ संतोष रंजन पाणी अधिक सूचना पाई सीधा सड़क आम प्रतिनिधि संतोष को पाखक जिबा संतोष मंत्री प्रताप जेना ट्वीट करिसेंति दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबो गाँ लोक माने स्पष्ट भाव में दोषी नाम दौंट बार जन संप्रति आसी एक कहते दोषी को चिन्हट करागला कि
देखो निश्चित भाव स्मृतिलग्ना वर्तमान समय एपर्तंत थाना एफआईआर हो नाला मात्र दुई मिनिट पूर्व जे पर लोक अच्छा जे पु अच्छा से एफआईआर दे आम देखा जे गाँव लोक वर्तमान समय आसिले ये पंचायत अफिस् सामने पुलिस को अभियोग पत्र दे अर्थात एवं अभियोग पत्र दिगला और खूब शीघ्र पुलिस आई आई सी जे अच्छा थाना आई आई सी तर प्रतिक्रिया खूब शीघ्र गोटे टीम गठन करूँ आम जो सामान प्रश्न पचारूँ पर लोक जो अभियोग आणुँच आधार में क्या अटक रखाई कि ना पुलिस से प्रसंग में प्रतिक्रिया रखी ना पुख पाखक जावा आज्ञा आप बर्तमान समय अभियोग पत्र दे अभोग कौन लिखिंट काल घटना क्या क्या ना सामना को आनी जो लोकना आप पूर्व अपराधिक मामला सहित थी सहित आप जोड़ू से सब किए किए एफआईआर क्या क्या ना रखिंट पूर्वतन अध्यक्ष भिकारी चरण स्वईं पु उमाकांत चरण स्वईं ललित मोहन बराल विजय कुमार बराल मूल कुमार बारिक पंचानन सेठी चैतन सेठी कैलाश खटुआ सतोष रंजन प्राणी और क्षितिश कुमार आचार्य बापा एमती कौन कार्यकलाप थिला जहाँ वर्तमान समय गोटे भिन्न रूप नेला एवं बापा को हत्या करा जाई बापा वर्तमान मृत्युवरण कर प्रकृति में कौ कार्यकलाप जो माने अपराधी अच्छा जो माने अभियुक्त अच्छा कौ काम सुहैलानी जो कि हत्या करने को बाछने ले विभिन्न दुर्नीति के लोकलोचन को आणवु कांड हूँ आप सका आम प्रतिक्रिया रखुले मंत्री प्रताप जेना ना आनुले प्रताप जेना ट्विट मध्यम कहते जे दोषी से दंड पाइब यापर आप कौन कहे दोषी दंड पाऊँ आम देखु आज्ञा सब बेले दोषी मानक धरिकी सांगे बुलूं दुई वर्ष तेज जो मर्डर केस दोषी जो मानक धरी सांगे बुलूं सी कौन करेंगे आज्ञा अनुमान पाखु जी आज्ञा प्रताप जेना लिखिं ट्विट कर दुर्नीति भ्रष्टाचार कथा प्रश्न उठाऊ ग्रामवासी जो मैंने लिप्त रोते सुरक्षा दूसरी मंत्री किंतु मंत्री पूरा स्पष्ट कर दोषी से दंड पाइब कौन कहे सी एम बारंबार कहते भारी चतुर लोक ये मंत्री निजे भारी चतुर लोक हाँ धर्म को आखिठार ना दि वर्ष होगा जो मर्डर टेट है हरिजन रताप जेना कौटे सी महाकार प्रतिनिधि नुहत कि महाकार प्रतिनिधि नुहत कि सी दिने पदक्षेप नहीं आज ये जो पूर्वतन कर्मी हूँ जहाँ हूँ आप दुआर मुख को आसिले किए पर्यटन तक कौन से गोटे नैतिक दायित्व नुह तेनाली कर निर्वाचन मंडल लोक ये तो जन समाजसेवी मंत्री दलियों ना लोक मंत्री लोकंर ना दलियों राज्यवासी सेवा करेंगे कितु ये ये अबाटे नहींक्र निज दलियों लोक सुरक्षा दौर से उकौन आउ कि लोक मरतु मरीगले आम एक छाटिया हम आम केवल दल र आम सबुद नेता रही आउ कई रही निश्चित किसी ना ये सन्देह कौट आस मंत्री ना अभियोग आज संप्रति जब न थपे आपण मैंने चिंता करूना दु वर्ष होगा कहीं गिरफ होना पूर्व हत्याकांड सी जाता धान काट लोक कर तार कम कर सी हूँ साधारण पिला निर्माक सचोट पिला सी कौ थे भाग निए ना ता विकास जेना घर पाखर लोक मैंने अच्छा सी हत्या करार कारण हूँ केवल राजनैतिक सी समर्थन कलानी डाक आम को समर्थन कर समर्थन न कर हत्या कले सी जन जुव नेता सचोट लोक तेणु दुर्नीतिग्रस्त लोक पाखे रे निश्चित मुझे आम कि भय कर निश्चित आप मन रखत ये देखिए मुझे से शिकार हबी हेले भी सेम मर जा बरम भल आदि आम सत्य को लुचे रखा मुंडे एमती बची जी रहा कौन दरकार पशु रोनी जंगल आम लुचिक रहा एटा गणतंत्र आठ इंग्रेज सरकार भल था से महात्मा गांधी मारि नाला कितु ये मारिदे एक छाटिया हाँ सब दिन रो कौन कार सुरक्षा हो अच्छी आप अनुभव कर मीडिया बाला जानपर ना कौन थी पारे घटना पचारे घटना तो यह हूँ गणेश से कह क्या एक चाटिया शासन नबू ये मारदेव प्रश्न उठे हाँ हमें मो घर जो विकास घर पाए मुझे दादा ये भी भाई से कह क्या ये अढ़ेटा नुआर दायित्व नहीं चाहिए आपको भी दिने मारदे मत भी मारदेव संभव राजनीति में गणतंत्र में गोटे दल जयगान हम ये कथ हाँ ये प्रताप जेना कर कौन प्रकृत घटना ये राजनीतिक आक्रोश रे ठीक अच्छे आक्रोश हम पार्टी तुंड हम कि हत्यार बाट कौन हत्यार बाट ये कुलमणि बरा जे कि होती प्राक्तन ब्लक अध्यक्ष से सब गरीब लोक मान सेवा कर सेवा करा हूँ गोटे व्रत गरीब लोक कौटी हईराण हम कौटी न्याय पाइब
ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ କେହି ପଇସା ନେବେନି କି ପାଇଖାନାରେ କେହି ପଇସା ନେବେନି କି ଲୋନରେ କେହି ପଇସା ନେବେନି ସବୁଠିରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଇ 21 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଗଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗଳ ଲଢ଼ିକି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ବର୍ଷେ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଥିଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ପାଗଳଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବ ଶ୍ରୁତିଲଗା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଯେ ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଜଣାଇବା ଇଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଲି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15-20 ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ବାଛି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତି କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କୁଳମଣି ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଏବେ ନିକଟରେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜଣେ ଅମାୟିକ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାର ଆଖପାଖ ଜନସାଧାରଣ ଏ 4-5 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ପ୍ରାୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦେହରେ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ରାଜନୀତିକ ଶତ୍ରୁତା ଆକ୍ରୋଶ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ 3-3 ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ଆଜି ଗତକାଲି 2 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସୂତ୍ରଧର କିଏ କିଏ ସବୁ ଉସ୍କଉଛି କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି ତାର ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ଯେ ଯେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେ ବିକାଶ ଜେନାର ସେ ଆସାମୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଟିଂରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିକରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଥାଇପାରେ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ପୋଲିସର ଏ କାମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାର କାମ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଥ୍ରେଟନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଇପାରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁଳମଣି ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୁଳମଣି ବାବୁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠିକି ସେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅପରାଧୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ